था पास्ट परफेक्ट टेंस। आज हम पास्ट टेंस का सबसे लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का मतलब क्या होता है? कोई भी काम भूतकाल में शुरू हुआ था और अब तक चल रहा है। ऐसा कोई भी काम जो पास्ट में किसी साइन में शुरू हुआ और अभी तक वो काम चल रहा है, वहां हम क्या यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमारा एक दो टेंस का पार्ट आ जाता है, जैसे कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटीन्यूअस। तो हमें इन दोनों का स्ट्रक्चर लेके चलना पड़ेगा जब भी हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है? सब्जेक्ट काम को करने वाला पर्सन, उसके साथ पास्ट परफेक्ट का हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लिया? हैड। लेकिन यहां हमने एक बात नोटिस की कि जब हम पास्ट परफेक्ट करते हैं तो हैड के साथ लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन जब हम कंटिन्यूअस करते हैं तो लगाते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर को, क्योंकि दोनों वर्ब्स हमने यूज करनी है, तो इसके लिए बी होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वॉज सेकेंड फॉर्म, बीन थर्ड फॉर्म। अब हम थर्ड फॉर्म के रूप में अपने आप ही यहां पर क्या लगा देंगे? बीन। अब बीन तक देखने के बाद आप ये देखो कि स्ट्रक्चर हमारा पास्ट परफेक्ट का कंप्लीट हो गया, और कंटिन्यूअस में हम क्या यूज करते हैं? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फिर आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट, जिस काम को आपने किया। अब ये सेंटेंस यहां तक खत्म नहीं होता, ऑब्जेक्ट तक। अभी तक आपने जितने सेंटेंसेस किए ऑब्जेक्ट तक स्ट्रक्चर खत्म हो रहा था, लेकिन अब ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट तक खत्म नहीं होगा, क्योंकि हमने कहा कि काम पास्ट में शुरू हुआ था और अब तक चल रहा है। तो इट मीन्स हमें टाइम दिया होगा वहां पर कि पास्ट के किस समय में वो काम स्टार्ट हुआ था और कब तक चल रहा है। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, टाइम के लिए हम दो वर्ड यूज करते हैं। एक वर्ड होता है सिंस और एक होता है फॉर। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? हमें कहां पर सिंस लगाना है और कहां पर हमने फॉर लगाना है। सिंस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब काम को करने का एग्जैक्ट टाइम, पूरा टाइम, जिस टाइम को आप काउंट कर सकते हो। जैसे आप किसी डे को काउंट कर सकते हो कि आपने किस डे को वो काम किया, कोई ईयर काउंट कर सकते हो कि आपने किस सन में वो काम किया था, तो वहां पर आप क्या यूज करोगे? सिंस। और पार्ट ऑफ डे में भी हम सिंस का यूज करते हैं, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इनके साथ में हम क्या लगाते हैं? कीवर्ड सिंस, क्योंकि ये हमारे एग्जैक्ट टाइम है। उसके बाद आ जाता है फोर। फोर का यूज हम कहां पर करते हैं? पीरियड, लेंथ ऑफ टाइम, पीरियड या उस काम को करने की जो हमारी अवधि है कि हमने कितने समय में वो काम किया था, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? फोर। अब देखिए, हमारे मैंने टू एग्जांपल्स दिए, जिसमें एक एग्जांपल में मैंने सिंस लगाया और दूसरे एग्जांपल में मैंने फोर लगाया। अब मैं आपको बताऊंगी कि कहां पर हम सिंस लगा रहे हैं और कहां पर हम फोर लगा रहे हैं, वहां पर हम क्यों फोर का यूज कर रहे हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर एग्जाम्पल देखिए, आई हैड बीन, लिव होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लिव का मतलब रहना, आई एन जी लगाने से वो बन
सीरीज हाउस इस घर में सिंस 2008। अब देखिए मैं क्या कहना चाहती हूं कि मैं सन 2008 से इस घर में रह रही थी। अब मैंने यहां पर सिंस क्यों लगाया, क्यों हमारा जो टाइम पीरियड है वो क्या है, एग्जैक्ट है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए मैंने इसको देखकर यहां क्या लगाया, सिंस। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, शी हैड बी, शी क्या है, फीमेल के लिए हम यूज करते हैं, हैड हेल्पिंग वर्ब, बी थर्ड फॉर्म के रूप में हमने लगाया, और स्टडी होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पढ़ना, और आईएनजी लगाने से वो बन गया स्टडी इज अ फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। इन दिस स्कूल, इस स्कूल में, फॉर मैनी इयर्स, कि मैं सॉरी वह कई सालों से इस स्कूल में पढ़ रही थी। अब देखो जब हमने ये कहा कि वह कई सालों से इस स्कूल में पढ़ रही थी, तो क्या आपको मेंशन हो रहा है कि वो कितने सालों से पढ़ रही थी? देखो कई सालों में तो 10 साल भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट टाइम नहीं है वो। ऊपर वाले सेंटेंस में सन दिया तो एग्जैक्ट टाइम दिया, नीचे वाले सेंटेंस में हमने सिर्फ लेंथ बताई काम को करने की, तो इसलिए हमने क्या यूज किया, फॉर। तो आपकी अब सिंस और फॉर की जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जानी चाहिए। अब देखिए स्ट्रक्चर इन नेगेटिव सेंटेंस, कि नकारात्मक वाक्य में हम कैसे सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ फिर है, और नॉट क्या है, हमारा नेगेटिव कीवर्ड है, उसके बाद बी पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग थर्ड फॉर्म, और कंटिन्यूस के अकॉर्डिंग फोर्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट जिस काम को आपने किया, और उसके अकॉर्डिंग टाइम के लिए कीवर्ड आ गया सिंस या फॉर। और ये मैं आपको पहले बता चुकी हूं सिंस कैसे यूज किया जाता है और फॉर कैसे यूज किया जाता है। अब उन्हीं सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव में बदलते हैं, जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल था, आई हैड नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2008, कि मैं सन 2008 से इस घर में नहीं रह रहा था। अब यहां पर एग्जैक्ट टाइम आया तो हमने क्या लगाया, सिंस। स्ट्रक्चर इन इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य में हमारा स्ट्रक्चर कैसे बनता है, हम क्या करते हैं, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो आ जाती है सेंटेंस के फ्रंट में, सेंटेंस के आगे। हैड सब्जेक्ट काम को करने वाला पर्सन, बी पास्ट परफेक्ट के लिए हमने थर्ड फॉर्म के रूप में लगाया, फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूस के लिए, क्योंकि जब हम लगातार काम कर रहे थे हमने क्या यूज किया, कंटिन्यूस के लिए फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट जिस काम को आपने किया, और सिंस फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। अब नेक्स्ट एग्जांपल, हमने जो हमारा सेकंड एग्जांपल था उसको इंटरोगेशन में बदल दिया, हैड शी बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर मेनी इयर्स, क्या वह बहुत सालों से इस स्कूल में पढ़ा रही थी। अब हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या वह बहुत सालों से इस स्कूल में पढ़ा रही थी। अब बहुत सालों से हमें कंफर्मेशन नहीं मिल रही कि बहुत साल 10 साल, 12 साल, 15 साल या 20 साल, तो इसमें हमने कौन सा कीवर्ड लगाया, फॉर। और ऊपर वाले सेंटेंस में हमें कंफर्म हो रहा है कि 2008 में ही वो काम हुआ, तो हमने क्या लगाया वहां पर, सिंस लगाया। रिपीट कर रही हूं स्ट्रक्चर को, आज हमने किया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसमें हमारे दो स्ट्रक्चर आ रहे हैं, एक पास्ट परफेक्ट भी और एक पास्ट कंटिन्यूस भी। कोई भी ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ था और अब तक चल रहा है, और इसका स्ट्रक्चर इन एफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पास्ट परफेक्ट का है, और बीन हमने बीन फर्स्ट फॉर्म, वॉज सेकेंड फॉर्म, बीन थर्ड फॉर्म के रूप में बीन लगाया,
और फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूअस के लिए आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और टाइम के लिए हमें दो वर्ड दिए होंगे, या तो सिंस या फिर फॉर। सिंस का यूज हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम में, जिस टाइम को आप काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो। और फॉर का यूज हम कहां करते हैं, जिस टाइम को आप काउंट नहीं कर सकते, सिर्फ उसकी लेंथ, लंबाई बताई जा सकती है कि वो काम कितने टाइम पहले हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस हमने क्या करना है, सब्जेक्ट उसके साथ हैड और कीवर्ड लगा दिया जाता है नॉट, फिर बीन पास्ट परफेक्ट की थर्ड फॉर्म के रूप में, कंटिन्यूअस के लिए फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग सिंस और फॉर। क्लियर। फिर आ जाते हैं हमारा स्ट्रक्चर एक इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस हम क्या करते हैं, हेड को आगे कर देते हैं और बाकी सारा स्ट्रक्चर पीछे चला जाता है, और जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन है वो वही रहती है कि सिंस और फॉर हमें किस अकॉर्डिंग लगाना है, टाइम की लेंथ और पॉइंट के अकॉर्डिंग। इस प्रकार आज ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के साथ हमारा पास्ट टेंस कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम लेकर आएंगे फ्यूचर टेंस, मिलते हैं फ्यूचर टेंस में। ओके।